अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने लगे हैं सीडल की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। इसके लिए सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। डेट इज़ इक्वलेंट टू 4x1 माइनस x2 माइनस x3। मैं भी इसको कमेंट में लिख रहा हूँ, या चलिए आप कहते हैं तो एंड पे इसको कमेंट में कर लेंगे। 4x1, मैं इसको सिर्फ इसलिए क्वेश्चन को ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि क्वेश्चन लिया क्या जा रहा है। इज इक्वलेंट टू 3। दूसरी क्वेश्चन हमारे पास है -2x1 प्लस 6x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 9। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड मेरे पास जो इक्वेशन है डेट इज इक्वल टू -1x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस 7 x3 इज इक्वल टू -6। तो स्टूडेंट्स, ये तीन हमारे पास इक्वेशन है, 4x1 -x2 -x3 इज इक्वल टू 3। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है डेट इज इक्वल टू -2x1 प्लस 6x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 9। और तीसरी थर्ड इक्वेशन है -x1 प्लस x2 प्लस 7x3 इज इक्वल टू -6। और इसमें जो इनिशियल गेस हम लोग यूज कर रहे हैं इनिशियल एस्टीमेट, ये मैं यूज कर रहा हूं 0 0 0। तो ये सारी की सारी मैंने इसके ऊपर डिटेल लिख ली है, और हम इसकी जो है नंबर ऑफ इटरेशंस वो देख लेते हैं कि हमें कितनी चाहिए। मैं इस सारे को कमेंट कर रहा हूं। अब इसी इन्फो को हम जो है वो लिख लेंगे बाद में। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से किन किन फंक्शंस की जरूरत होगी। एक जो हमें फंक्शन रिक्वायर होगा वो होगा हमारे पास नमपाई का। तो मैं कहता हूं फ्रॉम नमपाई, नमपाइथन है नमपाई, इंपोर्ट रे एंड डॉट। ये दो चीजें इंपोर्ट की हैं मैंने, रे एंड डॉट। डॉट प्रोडक्ट यूज होगा हमारे मैट्रिसेस में, और उसके अलावा हमारे पास रे जो है वो यूज होगी। उसके अलावा इंपोर्ट numpy as np, np का ऑब्जेक्ट यूज होना है, डिफरेंट किस्म के फंक्शन कंटेन कर रहा है ये। उसके अलावा फ्रॉम
numpy dot linear algebra linalg import inverse INV, ये सारी सारी चीजें यूज होनी है। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास हम देख लेते हैं कि हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस कितनी चाहिए। तो एन नंबर ऑफ आइटरेशंस को हम डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ आइटरेशंस नंबर ऑफ इटरेशंस को मैं कैपिटल एन से डिनोट कर रहा हूँ, डेट इज इक्वल एन टू, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मुझे 10 इटरेशंस चाहिए, देन अब हम मैट्रिक्स ए फॉर्म करने जा रहे हैं। कैपिटल ए इज इक्वल टू अरे, और अरे में भी आपके पास जो अरे बन रही है डेट इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए की, वो बन रही है आपके पास। अब क्योंकि हमने रो वाइज लेनी है सारी की सारी, तो हमें एक ये अरे जो आपके पास मैट्रिक्स पर हमने डिफाइन कर दिया, उसके अंदर भी हमें रो वाइज चाहिए होगी। ये पहली रो कॉमा, फिर दूसरी रो, फिर कॉमा, और फिर हमें तीसरी रो, ये रो वाइज हमें अरे तीनों चाहिए होंगी। पहली रो के लिए मैं इस वक्त जो एलिमेंट्स डिफाइन कर रहा हूँ, ये बन रहे हैं 4 -1 और -1। तो मैं पहली रो के एलिमेंट्स डिफाइन करता हूँ 4.0 कॉमा -1.0 कॉमा -1.0। दूसरे आपके पास जो एलिमेंट है दूसरी रो का, डेट इज -2, 6 एंड 1, -2, 6 एंड 1, देन -2.0 एंड देन 6.0 एंड देन 1.0, -2, 6 एंड 1, और थर्ड रो आपके पास जो है, रो जो है जो आपके पास मैट्रिक्स ए की है, दैट इज इक्वल एंड टू -1, 1 एंड 7, -1.0 एंड 1.0 एंड 7.0। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए डिफाइन हो गया। अब हम मैट्रिक्स बी डिफाइन कर लें, देन बी इज इक्वल टू अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ व्हाट, बी के आपके पास है 3, 9 एंड -6, 3.0 कॉमा 9.0 कॉमा -6.0। ओके हो गया। उसके अलावा मैं इनिशियल गैस को, इनिशियल एस्टीमेट जो है उसको मैं गैस ही कह देता हूँ, लेट्स सपोज GUES, गैस जो है आपके पास डेट इज इक्वल टू अरे ऑफ व्हाट, अरे ऑफ 0.0 कॉमा 0.0 कॉमा 0.0। तो इस वक्त आपके पास जो है ये ए भी डिफाइन हो गया, बी भी डिफाइन हो गया और गैस भी डिफाइन हो गया है। अच्छा, अब हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के लिए, अगर मैं इस वक्त आपको याद हो तो जो हमने फॉर्म लिखनी है एक्स ऑफ के प्लस वन की, वो मैं थोड़ी सी यहाँ पे लिख ही देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि हमने क्या इंप्लीमेंट करना है। हमने इंप्लीमेंट करना था
एक्स ऑफ के प्लस वन हमारे पास बनना था इक्वलेंट टू इनवर्स ऑफ लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स प्लस डायगोनल मैट्रिक्स और इसने मल्टीप्लाई होना था माइनस अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इनटू एक्स ऑफ के प्लस बी। ये आपके पास है एक्स ऑफ के प्लस वन के लिए जो हमारे पास सारी स्ट्रेटेजी रहेगी। अब हमें सबसे पहले जो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, हमें अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, हमें ये चीजें निकालनी है। तो मैं जरा आपको दिखा दूं कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, इसको मैं लेट्स सपोज यू से डिनोट करता हूं, दैट इज इक्वल टू एनपी डॉट ट्रायंगुलर टी आर आई ट्रायंगुलर अपर, टी आर आई यू का फंक्शन है और इसके अंदर आपके पास हम पास कर देंगे मैट्रिक्स ए कॉमा जीरो। ये मेन आपके पास जो बताया जाता है, अगर मैं जीरो रखूंगा तो ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर, परफेक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। मैं आपको यू प्रिंट करके दिखा देता हूँ, प्रिंट एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यू। ये देखते हैं, अभी तक प्रिंट कुछ नहीं हुआ था, तो ये सीडल मेथड है जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम। ये देखें जनाब, ये इस वक्त परफेक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर मैं इसमें जीरो रखता हूँ तो इसमें यह आपके पास मेन डायगोनल को साथ रखता है। अगर मैं इधर आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपके पास वन रखूंगा तो फिर ये आपके पास, ये देखें, ये परफेक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस वक्त अब आपके पास जिसमें डायगोनल जीरो होगा, तो मुझे ए यहाँ पे वन रखना पड़ेगा मेन डायगोनल से राइट साइड पे। अगर मैं जीरो रखूंगा तो ये मेन डायगोनल को आपके पास इंक्लूड कर लेता है, ये वाला फंक्शन ट्रायंगुलर अपर का। और अभी जो हमें चाहिए वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स चाहिए, और डायगोनल मैट्रिक्स में आपके पास एल प्लस डी चाहिए। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम फाइंड आउट कर चुके, वो यू से आ गया हमारे पास। अब हमें इस प्रिंट की जरूरत, हमें नीचे दूसरी चीजें देखने के लिए पड़ जाएगी। अब हमें जो चीज चाहिए वो हमें चाहिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम निकाल चुके, अब हमें चाहिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स दोनों का प्लस, और उसका हमने फिर लेना है इनवर्स। तो मैं कहता हूं एल प्लस डी, एल प्लस डी नाम रख रहा हूँ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्लस डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू एनपी डॉट, दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है टी आर आई एल, टी आर आई एल का फंक्शन है हमारे पास। और इसमें अगर मैं टी आर आर एल में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ए कॉमा जीरो कर दूंगा तो इस वक्त ये परफेक्ट आपके पास एल प्लस डी जो है वो हमें देगा। मैं दिखा देता हूं आपको, इसको रन करें। ये देखें परफेक्टली आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे रहा है, ये अपर पोर्शन जो है आपके पास जीरो 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 आ रहा है। ठीक हो गया, ये इस वक्त हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
ये भी हो गया, एल प्लस डी भी हमारे पास आ चुका है। अब हमने जो है इसका इनवर्स निकालना है, इनवर्स ऑफ एल प्लस डी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ एल प्लस डी। ये नाम मैं पूरे का पूरा इसलिए लिख रहा हूँ, ये मीनिंगफुल नेम रहते हैं और इसका हमें फायदा रहता है। इनवर्स भी हमारे पास आ गया है, अब सिर्फ हमें जो है वो लूप लगा के और हमें इसकी आइट्रेशंस करनी है। तो मैं कहता हूँ फॉर आई इन रेंज एन, जितने टाइम्स एन चलेगा इस प्रिंट एल प्लस डी की जरूरत नहीं है। और मैं ये ओपन इक्वेशन को यहां पे कॉपी करना चाहूंगा क्योंकि हमें पता हो कि हम क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसी की बेस पे सारी की सारी इक्वेशन लिखी जाएगी हमारे पास। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है सबसे पहले हमें चाहिए माइनस यू एक्स ऑफ के प्लस बी। तो मैं कहता हूं माइनस यू एक्स प्लस बी, एक वेरिएबल बनाया मैंने माइनस यू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, इसको मैं कहता हूँ माइनस यू एक्स प्लस बी। यू और एक्स डॉट प्रोडक्ट होंगे तो माइनस डॉट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, ये डॉट प्रोडक्ट का फंक्शन हमने ऊपर लिया हुआ था, एक तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक्स की जगह पे हमारे पास जो चीज है वो है गैस प्लस बी, आपके पास बी ही है। तो हमें इतना पोर्शन जो था हमने ये माइनस यू एक्स प्लस बी ये कंप्यूट कर लिया। अब हमने इनवर्स लेना है और साथ उसको जो है आपके पास इनवर्स जो कि हम बल्कि ले चुके हैं, इनवर्स ऑफ एल प्लस डी का भी हम ले चुके हैं, इसको जस्ट हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस आंसर को और इस आंसर को हमने डॉट प्रोडक्ट कर लेना है। तो न्यू गैस जो होगा, जो गैस अपडेटेड होगा, दैट विल बी इक्वल एन टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, डॉट प्रोडक्ट आएगा इनवर्स ऑफ एल प्लस डी कॉमा, दूसरी जो वैल्यू आ रही है माइनस यू एक्स प्लस बी, ये रही। ये हमारे पास आ गया है। अच्छा, अब हम इसको तो प्रिंट कर लेते हैं क्योंकि आंसर की हर आइट्रेशन हम प्रिंट करना चाहेंगे। सबसे पहले हम आइट्रेशन नंबर प्रिंट करा लेते हैं जो कि आई में आ रहा है, और उसके बाद मैं कह देता हूँ एन पी डॉट राउंड
किसको डिस्प्ले करना है हमने, गेस को, कॉमा, उसके लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 5 डेसिमल प्लेसेस प्रिंट करा ले वो हर दफा। अब हम देखते हैं कि हमारा जो है क्या आंसर प्रिंट होता है। आप ये देखें कि आपके पास ये यहां से आइट्रेशन स्टार्ट हुई है और ये फिफ्थ आइट्रेशन पे जाके 1 2 -1 1 2 -1 ये रिपीट होने लग गया है। ये 1 2 -1 ये रिपीट हो रहा है। ये हमारे पास इस वक्त यही आंसर है आइट्रेशन नंबर 9 के ऊपर, आइट्रेशन 0 से स्टार्ट हुई है, बल्कि इस वक्त ये 10 आइट्रेशन हैं क्योंकि पहली आइट्रेशन हो चुकी है, 0 0 0 उसने डिस्प्ले नहीं किया, तो इसको मैं i+1 कर देता हूँ। इट सीम्स बेटर। हाँ जी, अब देखें ये 1 आइट्रेशन के ऊपर ये वैल्यूज आ रही हैं और ये 6 आइट्रेशन पे उसके बाद आंसर जो था वो स्टेबल हो गया है। तो 1 2 एंड -1 ये आपके पास सीडल की इम्प्लीमेंटेशन आ रही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी भी डिफ़िकल्टी की सूरत में आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।